तमाम विधायक लोक भवन पहुंच रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग हॉल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है वो आ चुके हैं। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होंगी कि ये यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं सबके कार्ड बाकायदा जो है वो इशू किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे विधायक जो है वो मौजूद हैं। एक एक विधायक का हस्ताक्षर कराने के बाद उनको कार्ड दिया जा रहा है और कार्ड देकर जो है वो उसके बाद फिर अंदर जाने की इजाज़त। मैम कहाँ से आप विधायक हैं? बिजनौर से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। डिस्ट्रिक्ट सदर से विधायक हैं, तो क्या कुछ अपेक्षाएँ क्षेत्र के लिए लेकर आई है? बैठक होने जा रही, पहली बैठक। क्या क्या कुछ अपेक्षाएं लेकर आई हैं मैम? तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ विधायक खुल के बात कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा बात करने से बैठक से पहले जो है वो कतरा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लोक भवन के अंदर की हैं जहाँ पे एक के बाद एक विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर बाद यानी 4 बजे का जो वक्त है वो बैठक का है, उससे पहले सभी विधायक आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये तमाम विधायक जो है वो चले आ रहे हैं। कहाँ से सर विधायक? सीतापुर सेवता। सीतापुर से सेवता से विधायक हैं, क्या कुछ अपेक्षाएँ लेकर आए? देखिए, हमारी सरकार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार है। आपने देखा होगा, आवास हो, शौचालय हो, यहां तक ले करके जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो परिकल्पना है उसी में हम लोगों को काम करना है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम? मैं आशा मौर्य, सीतापुर महमूदाबाद विधानसभा से। महमूदाबाद से हैं, क्या कुछ अपने क्षेत्र के जनता के लिए अपेक्षाएं लेके? बहुत सी अपेक्षाएं लेके आए हैं। कैसे जैसे एक आध तो बता दीजिए। हमारे महमूदाबाद में कुछ भी नहीं है, करने को बहुत कुछ है। पूरा संपूर्ण विकास करेंगे अपने योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। और इसके अलावा भी जनता को तो तमाम अपेक्षाएं होती कि उनका विधायक मंत्री बने, तो क्या इस तरह की भी कुछ अपेक्षाएं? अब ये तो पार्टी हमारी शीर्ष नेतृत्व जो मुझे अधिकार देगा, जो मुझे जिम्मेदारी देगा, उसे मैं निभा रही हूँ, निभाऊंगी आगे भी। तो जाहिर है कि एक बड़ी संख्या में तमाम जो है वो नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लोगों के आने का सिलसिला अभी लगातार जारी है, एक के बाद एक विधायक। ये तस्वीरें लोक भवन के की आपको हम दिखा रहे हैं कि सब तमाम जो है वो नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तमाम विधायक पहुँच रहे हैं। सर कहाँ से विधायक हैं आप? मैं खेरागढ़ आगरा से। क्या कुछ अपेक्षाएँ लेकर आए हैं यहाँ पे? अरे आज जो माननीय योगी जी दल के नेता चुने जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रचंड सरकार बन रही है और निश्चित रूप से जनता में खुशी की लहर है, और जब योगी जी सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास होगा, हर और जनता में खुशी की लहर होगी। चलिए, और भी विधायक हैं, तमाम लोग हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। और क्या कुछ अपेक्षाएं क्षेत्र के लिए हैं आपके और यहाँ पे क्या बातें रखने के लिए? मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ और गरीब कल्याण के लिए जो हम लोगों ने पिछला कार्य किया है उसी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। कानून व्यवस्था को और मजबूत करते हुए माफियाओं को ध्वस्त करने का काम करेंगे। तो ये तस्वीरें लोक भवन के अंदर की हैं। कुछ विधान परिषद सदस्य भी यहाँ पे आए हुए हैं, विधायकों के साथ साथ विधानसभा सदस्यों के साथ साथ विधान परिषद के भी सदस्य यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी CM दिनेश शर्मा और तमाम मंत्री जो विधायक बनकर दोबारा से आए हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये सिलसिला अभी 4 बजे तक चलता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे और एक बड़ा जो है वो एक फैसला होने वाला है। आज मुख्यमंत्री के नाम का यहाँ पे चयन होगा, विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा और योगी आदित्यनाथ के नाम पर यहाँ पर मोहर लगने वाली है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।